प्रधानमंत्री जी ने विश्वास करके एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दी। 5 हम लोग लड़े और 5 की 5 हम लोग जीते। गठबंधन के विश्वास पर भी हम लोग खरा उतरे, इसका श्रेय मेरे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता हर एक नेता को जाता है। सकारात्मक सोच के साथ नवादा की जनता ने इस चुनाव में अपनी सहभागिता निभाई है और हमने एक पहल किया था जिसको कि जनता ने स्वीकारा कि विकसित भारत के साथ विकसित नवादा। घटक दलों को और भारतीय जनता पार्टी को बधाई देती हूँ कि एक बार फिर से मैंडेट हमारे पक्ष में आया है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के सरकार में के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 2024 लोकसभा रिजल्ट अब सबके सामने है और आज एनडीए की दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे तो वहीं दूसरी ओर तमाम एनडीए के प्रत्याशी जो कि खास करके बिहार में हैं वो सब भी शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारा था और चिराग पासवान को 5 की 5 सीट पर भारी बहुमत से जीत भी हासिल हुई है। इसका श्रेय चिराग पासवान ने प्रत्याशियों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने उन पर भरोसा किया और उनके भरोसे को उन्होंने कामयाब करके दिखाया। बिहार में अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है, उनकी पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं नवादा के प्रत्याशी विवेक ठाकुर ने भी जीत दर्ज की है। विवेक ठाकुर भी दिल्ली जाने के लिए रवाना हो रहे थे। क्या कुछ कहना है चिराग पासवान का, विवेक ठाकुर का, सिंह का, चलिए हम आपको तीनों की बातों को सुनवा। बड़ी जीत है मेरी पार्टी के लिए, खास तौर पर एक नए नाम नए सिंबल के साथ हम लोग चुनावी रण में उतरे थे। जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत पार्टी को तोड़ा गया, हम लोग के पार्टी के नाम सिंबल को छीना गया, पर उसके बावजूद बिहार की जनता ने जो विश्वास जताया और 5 की 5 सीटें जिस तरीके से हम लोग को जिता के देने का काम किया, ये एक बड़ी जिम्मेदारी हम 5 सांसदों पर है। राजेश पर है खगड़िया को लेकर, अरुण जी पर है जमुई को लेकर, वीना जी पर है वैशाली को लेकर, शांभवी पर है समस्तीपुर पर लेकर और मेरे ऊपर भी है। हाजीपुर मेरे पिता की कर्म भूमि वो रही, पर हाँ ये वादा हम लोग करते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। गठबंधन ने हम लोगों पर विश्वास किया, प्रधानमंत्री जी ने विश्वास करके एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दी। 5 हम लोग लड़े और 5 की 5 हम लोग जीते। गठबंधन के विश्वास पर भी हम लोग खरा उतरे, इसका श्रेय मेरे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता हर एक नेता को जाता है। बहुत ज़्यादा, पहली बार है कि जब सर्टिफिकेट मेरे हाथ में था और वो मेरे साथ नहीं थे। ऐसे में कल सबसे पहले मैं पापा के पास ही गया, उनकी प्रतिमा पर हाजीपुर का ये सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को समर्पित है। भाई किसी को कोई ऑफर नहीं मिल रहा है और एनडीए गठबंधन एकजुट है, इस बात को आप लोग लिख लीजिए। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। शपथ लेने की तैयारी है और ये सरकार मजबूती से अगले 5 साल मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलेगी। यूपी में कहां चूक हो गई? भाई कहां चूक हुई ये जरूर मंथन करने का विषय है। एनडीए एक साथ बैठकर जरूर इस पर चिंतन हम लोग करेंगे और 2029 के लोकसभा के चुनाव में बिहार से 40 की 40 सीटें। पहले तो आप लोग के माध्यम से नवादा की जनता को यही कहेंगे कि नवादा की जीत नवादा की जनता की जीत है और उनका आस्था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है कि उसका समर्पण का परिणाम है और मुझे चुनाव पूरी नवादा की जनता ने लड़वाया है और सकारात्मक सोच के साथ नवादा की जनता ने इस चुनाव में अपनी सहभागिता निभाई है और हमने एक पहल किया था जिसको कि जनता ने स्वीकारा कि विकसित भारत के साथ विकसित नवादा और विकास पे पूरा वोट पड़ा है। किसी षड्यंत्र में नवादा की जनता फंसी नहीं, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ी और प्रधानमंत्री मोदी के झोली में यह सीट। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है क्या लगता है, उम्मीद से कम आया है?
जी से कई सीटें कम आई है, चुनाव है, होता रहता है, समीक्षा करेंगे कि कहाँ कुछ चूक हुई अगर है तो उस त्रुटि को ठीक करेंगे। सर यूपी में जो नंबर कम आए उस पर क्या कहेंगे, ताकि सारी लोग अभी तो आज पहला दिन है, समीक्षा हो जाने दीजिए, स्थिति तो साफ हो ही जाएगी। सर ममता में देखिए एक क्या है कि हम सकारात्मक बातों को लेके गए चुनाव में, विपक्ष नकारात्मकता को गाँव में प्रचार किया दिग्भ्रमित करने के लिए, कुछ हद तक सफलता मिली। सर एक सवाल है कि नीतीश कुमार को ऑफर मिलना शुरू हो गया है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए गठबंधन में जाएंगे? एनडीए गठबंधन में तो नहीं, एनडीए गठबंधन में है आज। कई कैंपों का बाजार गर्म है, क्या लगता है इस तरह की सरकार बनेगी, कैसे क्या एजेंडे तय है? देखिए सबसे पहले तो मैं महिला मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन लोगों ने डेमोक्रेसी को सशक्त बनाया और बिहार में 6.4% से ज्यादा वोटिंग महिलाओं ने, साथ ही साथ मैं एनडीए के सभी घटक दलों को और भारतीय जनता पार्टी को बधाई देती हूँ कि एक बार फिर से मैंडेट हमारे पक्ष में आया है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी की सीटें कम हो गई पिछली बार जितनी सीटें थी उससे, देखिए नेचुरली ये तो अच्छी बात है, अब तो कोई ईवीएम पे शक नहीं करेगा, कोई किसी और तरह का आलोचना नहीं करेगा, निश्चित रूप से ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को आगे बढ़े। बीजेपी की कुछ सीट्स कम हुई है, कुछ सीट्स पे अलग अलग वजह थी, लेकिन बीजेपी को अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से केरला की बात कर ले, उड़ीसा की बात कर ले, तो हम लोगों ने वहाँ पर भी मैंडेट हासिल किया है, ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सवाल उड़ीसा में इस बार बहुत दिनों के बाद बीजेपी की सरकार बनी, जी किस तरह से देखते हैं? देखिए उड़ीसा के लोगों ने जो वहाँ पर एंटी इनकमेंसी प्रॉब्लम्स थी, करप्शन की प्रॉब्लम्स थी, जो नॉन उड़िया एक सीएम बनाने जा रहे थे, उन सब के खिलाफ वोटिंग किया है और भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दिया है पूरी बहुमत के साथ कि वहाँ पे एक नेतृत्व कायम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।